ऊंट की पारदर्शी खाल पर की गई सुनहरी नक्काशी ही उस्ताकला कहलाती है, जिसे मुनवत कला भी कहते हैं। उस्ता कला को उस्ता जाति के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, इस कारण इस कला को उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता आर्ट के नाम से सोने पर नक्काशी की ये कला पूरे देश में अपनी पहचान रखती है। नक्काशी की ये उस्ता कला पहले ऊंट की खाल पर बनती थी, पर धीरे धीरे ये लकड़ी, कांच, संगमरमर और अब किसी भी सरफेस पर की जाती है। खाल पर होने वाली नक्काशी में काफी समय लगता है। इसमें बारीकी से काम होता है, इसमें विशेष रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खासियत यह है कि इसमें सोने और चांदी के वर्क का इस्तेमाल होता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है, पर इसे ग्राहक की डिमांड के अनुसार बनाया जाता है। उस्ता कला को सीखने के लिए विदेश से भी स्टूडेंट्स आए और यहाँ से इस कला को अपने देश ले गए, पर अब भारत में इस कला को सीखने वाले कम हैं, क्योंकि इस कला के प्रचलन में कमी आई है। सरकार भी इसमें मदद नहीं कर रही। इस कला से बनने वाली चीज़ें बाजार में बेचने का कोई सही तरीका सरकार ने नहीं बनाया है। नतीजा, कलाकार मायूस है। मैं ये काम पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और इस दौरान हमने